बच्चों से पूछा क्या हो रहा है, बच्चों ने कह दिया कि मैडम कुछ तो नहीं हो रहा है, ऊपर ही पड़ा है, तैर रहा है। हमने कहा ठीक है भाई, तैर तो रहा है, फिर हमने इसको निकाल दिया। अब बच्चों के मन में और आ रहा है कि मैडम और क्या करने वाली है, फिर हमने ये डाला। अब हमने बच्चों से पूछा क्या हो रहा है, तो बच्चों ने कहा मैडम ये तो डूब गया। हमने कहा वेरी गुड, डूब गया है, और इसमें क्या हो रहा है? कुछ बच्चे सोचे कि अब इसमें क्या हो रहा है, तो बच्चे बताए मैडम बुलबुले उठ रहे हैं, क्योंकि जितना उनको दिख रहा है वो बता रहे हैं। हमने कहा भाई बुलबुले भी उठ रहे हैं, क्योंकि मिट्टी था, ईटा डाला था हमने। तो फिर हमने कहा अच्छा अब क्या हो रहा है, और क्या देखा तुम लोगों ने? कहा मैडम और कुछ तो नहीं हो रहा है। फिर एक बच्चा कहा कि मैडम पानी निकल आया है इसमें से। हमने कहा सबसे सही चीज है कि इसमें से पानी आ गया ग्लास से बाहर। तो अब उसके आगे बच्चों को लगा हाँ अब और कुछ नया मिलेगा। तो फिर हमने सिखाया कि पानी निकलने का मतलब क्या हुआ, आपने ये डाला तो पानी नहीं निकला, ये डाला तो पानी नहीं निकला, ये डाला तो पानी निकल आया। बच्चों ने, बच्चे इतना समझदार होते, कहा मैडम ये तो हल्का है इसलिए नहीं निकला, वो भारी था इसलिए निकल आया। हमने कहा सही बात है, भारी था इसलिए निकल आया, और भारी था इसलिए डूब भी गया। तो इतना बच्चे बता ले जाते हैं। तो हमने कहा अच्छा ये बताओ, वो भारी था निकल डूब गया नॉर्मल चीज है, लेकिन पानी बाहर क्यों आ गया? तो बच्चे यही से बच्चों का जिज्ञासा हुई कि पानी बाहर आया क्यों, इतना तो हमको पता चल गया भारी था डूब गया, लेकिन पानी क्यों बाहर आया? इसका जवाब भी हमारा विज्ञान देगा, और यही बच्चों की आज की सीख थी। तो हमने कहा, बच्चों ने कहा कि हाँ सब में डूबता है ठीक है, लेकिन हम हर चीज डूबते हुए देखते हैं, बच्चे सब देखते हैं डूब रहा है, तो पानी बाहर क्यों आता है? तो फिर इसमें अब सिद्धांत आता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो इसी में हमने बच्चों को सिखाया कि आर्किमिडीज का सिद्धांत ही ये होता है। आर्किमिडीज एक वैज्ञानिक थे, और उनका सिद्धांत ही यही था विज्ञान का कि अगर कोई वस्तु पानी में डूबती है तो वस्तु का भार और जो द्रव्य पानी बाहर निकला है उस पानी का भार, वो दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये होता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। और इसके बाद हमने ये बताया कि वस्तु डूबी क्यों, इसके बाद ये बताया। तो इसके बाद बच्चों को अब समझाया हमने उत्प्लावन बल, कि उत्प्लावन बल के कारण ही वस्तु डूबती है तैरती है। तो अब ये बताया हमने, अब हमने ये बताया फिर से इसको निकाल के कि ये वस्तु जो थी, अब ये वस्तु है, ये वस्तु हमने इसमें डाली, बच्चों ने कहा मैडम ये नहीं डूबी ठीक है। अब हमने इनको सिखाया कि वस्तु डूबती तैरती क्यों है। तो बच्चों ने, हमने बताया कि उत्प्लावन बल एक ऐसा बल होता है जो द्रव्य नीचे से वस्तु को नीचे से वस्तु की तरफ लगाती है, जिससे वस्तु जो होती है ऊपर रहती है। अगर उत्प्लावन बल ज्यादा हो जाता, कम हो जाता, अगर ये वस्तु है इसका भार अगर ज्यादा है और अगर हम इस पानी में डालते हैं, तो इसका उत्प्लावन बल नीचे से पानी लगा रहा है वो कम कम है, इसी के कारण वस्तु जो है वो डूब गई है। तो दो कंडीशन हो गई, एक कंडीशन के लिए मुझे यहाँ पर कोई टीएलएम नहीं मिल पाया कि वस्तु डूबने के बाद नीचे जाने के बाद ऊपर आ जाता है, वो होता है उत्प्लावन बल और वस्तु का भार दोनों समान होता है, इसीलिए वस्तु डूबती नहीं है, आंशिक रूप से डूब के तैरती है। तो ये कंडीशन आज हमने स्कूल में पढ़ाया था, तो मुझे लगा ये समझा देना चाहिए, बच्चों को जिज्ञासा भी मिल जाएगी।